चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला है, मनमनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो ये था काकोरी रेल डकैती कांड में। अगला है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? जगदीशपुर रियासत से। अगला है, सुरमा घाटी किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? असम से। अगला है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी किपलानी। अगला है, चोरा चोरी चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोका गया? असहयोग आंदोलन। अगला है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया हुआ थी? कदम्बिनी गांगुली। अगला है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्घाटन किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो बड़ा ही सशक्त नारा था, इससे किसने और कब दिया? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है, मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खान को। अगला क्वेश्चन है, चटगांव सस्तागार पर आक्रमण के क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सूर सेन ने। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने अपने किस लेख में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक लेख में। अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रोलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी? महात्मा गांधी जी ने। अगला है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? 7 अप्रैल 1934 को। अगले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, इन दलों के उस समक्ष अध्यक्ष कौन कौन थे? तो याद रखिए, कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार और इसके मुस्लिम लीग के थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1906 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। अगला है, भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ रही किसका कथन था? आई पुलिस डॉट की दिसंबर 1930 की टिप्पणी। अगला है, बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो ये थे विंसेंटन चर्चिल का। अगला है, 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। यह कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया? तो याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था। अगला है, आचार्य जे वी किपलानी के कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी थी? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या था? भारत से धन की निकासी का सिद्धांत। अगला है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893
ईस्वी में शिकागो में। अगला, कांग्रेस किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? वेलगांव 1924। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला है, 1857 के विद्रोह को निशंसता पूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना गया। इसका कार्यक्षेत्र था इलाहाबाद। अगला है, कांग्रेस के गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हुए? 1907 में। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत सब किस स्थान पर हुई? पवनार से। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? लाहौर गेट को। अगला है, किस वायस राय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वाइस वाइस रीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था? तो याद रखिए, लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो याद रखिए, अहमदाबाद आंदोलन के दौरान 1918 में ये हुआ था। अगला है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक है एस ए डांगे ने। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? तो याद रखिए, लॉर्ड बेलेजली। अगला है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की। यह कथन किसका था? लॉर्ड कर्जन का। अगला क्वेश्चन है, लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? गदर पार्टी के। अगला क्वेश्चन है, 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण था? कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण हुई थी? बंगाल बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। अगला है, किसने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता, अरविंद घोष ने अग्रि शिक्षा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गरेट नोबल शिष्टा निवेदिता के लिए। अगला है, बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिए, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग। अगला है, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नाम दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। अगला है, विभाजन करो और जाओ का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने दिया था और कब? मुस्लिम लीग ने, लीग के कराची अधिवेशन 1942 में। अगला है, किस वायसराय का संबंध बैक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? तो याद रखिए, अगस्त प्रस्ताव में। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई? पवनार से। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो याद रखिए, शंकर नारायण ने। अगला है, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कार को शैतानी लोग कहा था? याद रखिए, रॉलेट एक्ट पास होने के समय। अगला है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक।
अगला 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड, कितने लोग घटना स्थल पर शहीद हुए? 11 है। अगला जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1913 को ही हुआ था, जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? लोकप्रिय नेता डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रकट करने के लिए। अगला है भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया? ब्रिटिश संसद ने। अगला है भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चटर्जी द्वारा गाया गया? तो याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। अगला है शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ए ओ ह्यूम। हाँ।